बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी रघुपति राघव राजा राम। द्रवहु सुदशिरथे अजर बिहारी पतित पावन सीताराम। जय श्री सीताराम। आइए भक्तों, विश्राम से आगे अंतिम दोहे से शुरुआत करते हैं। सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान। सहज वर बिसराइ रिपु जो सुनिक रही बखान। सियावर राम जय जय राम मेरे मन भसियो सीता राम। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोने होइ बिनु विपल मति मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम। दोहा भाग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं और मेरी बुद्धि का बल तो बहुत ही थोड़ा सा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियो आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजु मराल। बान विलय सुनी सुरुचि रखी मो पर हो कृपाल। दोहा भाग गए। सियावर राम चंद्रपति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और पंडितगण आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। बंधव मुनि पद कंजू रामायण जही निर्मय सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। दोहा भाग है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से भी विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से बहुत रहित है। मंदोचारे वेद भव बारी दिबोहित श्री से जिन ही सपने हूँ खेद वर्णत रघुवर विशद ससु। दोहा भाग डे। मैं उन चारों वेदों की भी वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती। बंधव विधि पद रेणु भवे सागर जे कीन जस संत सुदास सिधेनु प्रगटे खल विष बारुनी। दोहा भाग चे। और फिर मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। दोहा। विबुध विप्रबुद ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजु मनोरथ मोरी। दोहा भाग छे। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा कीजिए। पुनि बंधो सारथ सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत हर एक अभिवेका। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरूपदी सब विधि तुलसी के। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मैं श्री महेश और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता भी हैं जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो के जग हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन गिर सिर जा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है
तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि सेवा शिव पाई पसाउ, वर्णउ रामचरित चित चाउ। तुलसीदास जी कहते हैं, हे वे उमापति शिव जी, मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की सुंदर कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनीति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिले मनुहु सुराती, जे एक कथई स्नेह समेता, कहीं सुनी समझी सचेता, हो ये रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा ग्रहणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पाप से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। दोहा, सपनो साचो मोहि पर जो हर गोरी प्रसाओ, तो फुर हो जो कहूं सब भाषा बनीति प्रभाव, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता है, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाएगा। वंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुष न सावनी, परनवौ पूर्णर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अवधपुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत ज्यादा है। सिय निंदक अद ओद न साए, लोक विशोक बनाई बसाए, वंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक सभी पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे हो जय रघुपति शशि चारु, विषव सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिने विरचि बड़ भयो विदाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। जिनकी रचना ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुहाल सत्य, प्रेम जेहि राम पद, विचरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहरेउ। फिर मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया था। पणुओं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखु गोई, राम विलोकत प्रगटे उसोई। फिर मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते हुए प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लबुद मधुप इव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ था, कभी उनका पास नहीं छोड़ता था। मंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। फिर मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष शास्त्र शेष जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय तारण, सदा सुसानुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सो मित्री गुना कर। जो हजार सिर वाले जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें।
रिपुसूदन पद कमल नमामे सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर विनवो हनुमाना जा राम जासु जस आप बखाना। फिर मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर और सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, अर्थात उन्होंने श्री भरत जी की हर आज्ञा का पालन किया। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धन जासु हृदय अगार बसे राम सर चाप धर सियावर राम चंद्रपत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घनमूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री सीताराम जी हमेशा ही निवास करते हैं। कभी पति रीच निशाचर राजा अंगदा दीजे कीस समाजा बंदव सबके चरण सुहाए अदम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषियों के राजा राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका वानरों का समाज है सबके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदव पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनि मर विज्ञान विशारद प्रणव सभी धरणी धरि सीसा करहुँ कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरो आप सब मुझको अपना दास जानकर मुझ पर कृपा की दिए। जनक सुता जग जन निजान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की तासे जुग पद कमल मनावहुँ जासु कृपा निर्मल मति पावहुँ। राजा जनक की पुत्री जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ और श्री रामायण का लेखन कर सकूं। कुनी मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदव सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और क्रम से कमल नयन धनुष बाण धारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम दोहा गिरा अर्थ जल विचि समय कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम। तुलसीदास जी कहते हैं जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है परंतु वास्तव में अभिन्न एक है उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदव नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थार्थ रे आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु नाम गण राव प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिवजी जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापु भयव शुद्ध करी उल्टा जापू सहस नाम सम सुनी शिव बानी जपी जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर से हेतु है हर ही को किए भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलुदीन अमी को।
राम के पार्वती पार्वती नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हमेशा ही हर्षित होते हैं और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। दोहा श्री राम जय दे राम श्री राम जय दे राम वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास राम नाम बर वरण जुग सावन भादव मास सियावर राम जय दे राम मेरे मन बसियो सीताराम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान के हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो वरण विलोचन जन सिय जिय जो सुमृत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा श्रवण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवान भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम पिय तुलसी के वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। वे कहने सुनने और श्रवण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका रे और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जनत्राता भक्ति सुतिय कल करण विभूषण जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो से सम सुगति सुधा के कमठ से सम धर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जिय जसोमति हरि हल धर के। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और सेज जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दोहा श्री राम जय दे राम श्री राम जय दे राम एक उच्छत्रु एक मुकुटमणि सब वर्णानि पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरण विरारत दो सियावर राम जय दे राम मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। इति